अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं फहीम। पंचायत चुनाव 8 तारीख को और 10 तारीख को गिनती का होकर खत्म हुआ। जहां कोई हारा कोई जीता, एक ऐसा पंचायत जो हॉट सीट बना हुआ था, वहां से लगातार 4 बार सरपंच की सीट जीतने वाला कोई शख्स है, वो है अरमानुल्लाह सिद्दीकी। आप इनको बता दूं कि ये नाम के मोहताज नहीं है, पूरा जिला अरमानुल्लाह सिद्दीकी से जानता है। एक बार BDC और 4 बार लगातार सरपंच की सीट पर ये काबिज हुए हैं। यहाँ की जनता इनको छोड़कर दूसरी की तरफ जाती ही नहीं है। अगर मैं कुछ लोगों से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह रही है कि लगातार एक बार BDC और लगातार 4 बार यहाँ के जनता इनको सरपंच बनाई है, किसी और की तरफ ताकती भी नहीं है, क्या वजह रही है? देखिए, इनमें एक लोगों को अपनापन महसूस होता है। आम इंसान बिना किसी तामझाम के ये चुनाव लड़ते हैं, बिना बहुत ज़्यादा शोर शराबे के, और तो लोगों को अपना अक्स उनमें कि आम नागरिक की तरह। इनकी छवि भी बहुत मजबूत है पूरे क्षेत्र में, ईमानदार और मजबूत छवि है, जिसकी वजह से ये हमेशा जीतते आएंगे, हमेशा जीतते रहेंगे। ये बात तो मानने वाली बात है कि पूरा जिला इनको जानता है कि अरमानुल्लाह सिद्दीकी एक शख्सियत है। तो ये गरीबों के मसीहा माने जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी गरीब इनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। उसका कुछ भी काम हो, बिना किसी लाग लपट के, बिना किसी परेशानी के, फौरन फटाफट निपटा दिया जाता है। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बताया, यहाँ से खुद जो है एडवोकेट अरमानुल्लाह फरमानुल्लाह अहमद सिद्दीकी, जो खुद वकील हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर इनको मिलता है, क्या लगता है आपको कि यहाँ अपने यहीं से ही निष्पादन करते हैं या आपके पास जाना पड़ता है? नहीं नहीं, सारा निष्पादन सरपंच के माध्यम से ग्राम कचहरी हथौरा से होता है, और काफ़ी लोकप्रिय नेता अपने पंचायत के हैं, और उसके बाद भी 4 बार, आपने बताया भी कि 4 बार जीते हुए हैं और एक बार BDC भी से जीते हुए हैं, उससे ये एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा लोगों को कि जो आदमी 5 बार लगातार जीता है, उसकी लोकप्रियता, उसका काम, उसका काज, उसका भाव किस तरह का है। आज हमारे केस जो मतलब पंचायती ग्राम कचहरी का केस है, उसका निपटारा सुलह द्वारा हो जाता है, कंप्रोमाइज़ के जरिए सारे केस को समाप्त कर दिया जाता है। पुराना से पुराना केस जो है 20 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, उस केस का निष्पादन सुलह के जरिए दोनों पक्ष को समझा बुझा कर अरमान सरपंच द्वारा करा दिया जाता है। यहाँ कुछ लोगों का मानना था कि अगर मैं सरपंच बनूंगा तो हथौड़ा से ग्राम कचहरी में ही सारा निष्पादन करूंगा, दूसरी जगह नहीं, तो इसका मतलब है कि ये इनकी तरफ से नहीं होता था? नहीं नहीं, ये काम इन्हीं की तरफ से होता था। एक एग्जांपल कोई नहीं दे सकता है जो ये ग्राम कचहरी से बाहर गया हो, सारे का सारा निष्पादन यहीं से हुआ है, ग्राम कचहरी से। बात मान लिया जाए कि इनकी बात की कॉपी की जाती है? हाँ, कॉपी की जा सकती है, कॉपी की जाती है, लेकिन इनका जो अपना कर्मठ उम्मीदवार होने के नाते, जो इन्होंने अपना जाति मुफाद को पीछे हटाकर जो पक्ष रखा है दोनों पक्षों का, असुलह कराया है, उसको देखने के बाद ये ज्ञात हो जाएगा कि इनका काम कैसा रहा है। आज इनके पुनः दोबारा या तिबारा या चौबारा ये जो आए हैं पंचायत में, ये सिर्फ अपने काम की वजह से लौटे हैं। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से इनकी लोकप्रियता दर्शा रही है कि लोग दूसरी तरफ ताकने के लिए
कोई जगह नहीं छोड़ता। मैं खुद अरमानुल्लाह सिद्दीकी से बात करूंगा कि सर सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, आप लगातार 4 बार यहाँ के जो है सरपंच रहे हैं, इससे जो है दर्शाता है कि आप कितना लोकप्रिय नेता हैं, हालांकि पूरा जिला आपको जानता है। क्या कहेंगे अपने पंचायत के लोगों को? पहले तो आपके चैनल को मैं अपने तरफ से, अपने गाँव की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने पंचायत के लोगों को आप प्रेम स्नेह जो है मुझे आज तक छोड़ा नहीं है, इसलिए कि मैं 2001 से मैं BDC बना और 2006 से लगातार मैं 4 बार सरपंच बना, 4 बार और 1 बार, 5 बार मैं लगातार जीतते चला रहा हूँ। इस पंचायत की जनता चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, हमारी माँ बहन हो, जो भी हो, नौजवान साथी हो, बच्चे हो, जो भी हो, हमको इतना प्यार दिया, स्नेह दिया कि जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। उन लोगों का प्यार जितना भी दिया जाए, प्यार दिया मुझे, प्यार दे करके वोट दे करके वोट में बदल करके मुझे चुनाव जिताया है, जिसका स्नेह प्यार मेरे पास आज भी है और कल भी रहेगा, आने वाला दिन भी रहेगा। क्या 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 कहेंगे आप अपने पंचायत को? मैं अपने पंचायतवासियों को अपने तरफ से कोटि कोटि से धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे पांचवी बार चुनाव जीतने का मौका दिया और काफी मतों से मैंने चुनाव जीता। तो आप देख रहे थे कि अरमानुल्लाह सिद्दीकी में कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात रख रहे थे कि लगातार कोई शख्स 5 बार क्षेत्र का नेतृत्व करता हो तो उसकी शख्सियत इसी से अंदाज़ा लगाई जा सकती है कि कितने लोकप्रिय नेता हैं, कि जन जन के नेता मानने वाला, जो ज़मीनी स्तर से लेकर ऊपर तक अगर किस कोई अगर है तो। सिवान का जाना पहचाना VIP अल्मोनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित अल्मोनियम का सभी कार्य किया जाता है, साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान, प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद, मोबाइल 9801112266 व 9128890066। ग्राम पंचायत राज महुआरी से मुखिया पद की सुयोग, शिक्षित एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी रेहाना खातून का चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है। आप सभी से निवेदन है कि EVM के क्रमांक संख्या 9 कैमरा छाप पर नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से रेहाना खातून को विजयी बनाएं। मैं पंचायत राज नरकटिया से राजीव मिश्रा BDC प्रत्याशी, मैं अपने माताएं बहनें और मेरे युवा साथियों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है, आप लोग 8 नंबर पर कुदाल छाप पर वोट करें और मुझे भारी से भारी मतों पे विजयी बनावें। मैं अशोक कुमार प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत राज कबीरपुर प्रखंड मैरवा, मैं अपने पंचायत से पुनः एक बार 2021 के चुनाव में प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो क्रम संख्या 1 पर है। मैं अपने पंचायत के सम्मानित जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस बार के चुनाव में फिर एक बार मौका दिया जाए। और इसी के साथ है, पिछले में 10 वर्षों से जो मेरे पंचायत के सम्मानित जनता के साथ जो सम्मान दिए हैं, व्यवहार किए हैं और पूरे पंचायत को एक विकास मॉडल के रूप में पेश किए हैं, निश्चित रूप से मुझे आशा भी है कि मेरे पंचायत की जनता, मेरे पंचायत की भाइयों बहनों सभी लोग मिलकर मुझे मदद करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ है, काफ़ी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मुझे काफ़ी उम्मीद है और भरोसा भी है और एक बार और अपील करेंगे अपने पंचायत की सम्मानित जनता से कि मुझे एक बार और अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए कि अपने पंचायत के नाम को रोशन करें और एक बार पंचायत कबीरपुर के एक बार और मॉडल के रूप में पेश किया जाए। नमस्कार, मैं कुंदन शाही ग्राम पंचायत राजंगोता से बोल रहा हूँ। मेरी माताजी मीनू शाही इस पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो कि EVM क्रमांक संख्या नंबर 1 पर है। मैं अपने पंचायत के समस्त सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके हर सुख दुख में
और आपके हर काम में मैं 24 घंटा तत्परता से उपलब्ध रहूँगा। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी बहकावे में ना आए, आप लोग पहले भी हम लोग को चुनते आए हैं और इस बार फिर मौका दें। नमस्कार। मैं सुरेश चौधरी, मेरी पत्नी रीना देवी ग्राम पंचायत राज गंभीरपुर से फिर से दोबारा मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि 5 नंबर AVM नंबर पर फूल छाप है, वो मैं जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि फिर सेवा के मौका। आप सभी जनता जनार्दन से, आप हमारे मालिक गार्जियन सब हैं, आप सबसे आग्रह है कि हमारे घर से हमारी भाभी अंकिता देवी मुखिया प्रत्याशी हैं बड़का मजा पंचायत से। आप लोगों ने दो बार हमें बहुत प्यार दिया, हमें चुना, हमने आपके लिए कार्य करने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया कि हम अच्छा कार्य करें, आपके सुख दुख में साथ रहें, हम रहे। आपका प्यार अभी भी मिल रहा है, हमने आपके लिए काम किया, आपने जो कहा आपके हर संभव साथ रहे, हम अभी भी हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ रहें। इसके लिए आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस बार पुनः हमें 20 अक्टूबर को मोती के माला चुनाव चिन्ह EVM नंबर 1 पे है, बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। हम प्रायः आपके सेवा में रहेंगे, हम हमेशा सेवा करते रहें, हमारा स्वभाव से भी हम लोग सेवा करने वाले हैं। आप लोग देख चुके हैं, एक बार और मौका दें ताकि हम आपकी सेवा में रहें सदैव। मैं शिवतापुर पंचायत की मुखिया श्रीमती पिंकी देवी आपके चैनल एवं अपने पंचायत वासियों को शारदीय नवरात्र को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्रणाम करती हूँ। साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करती हूँ कि 5 नंबर पर पुल छाप नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जैसे प्रेम स्नेह हम लोग बनाकर रखे थे उसी तरह बनाए रखेंगे। बड़े बुजुर्ग माताएं एवं बहनों सबको मैं प्रणाम करती हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, साथ ही पंचायतवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जिस श्यामतापुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पिंकी देवी का चुनाव चिन्ह पुल छाप है, जो क्रमांक 5 पे है, और मैं अपने पंचायतवासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पिंकी देवी को क्रमांक 5 पे पुल छाप पे नीला बटन दबाकर विजयी बनाने की। मैं रजनीश गोंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से प्रत्याशी हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार मेरे को क्रम संख्या 7 पर रेल का इंजन छाप मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। इस बार मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे को एक एक वोट दे करके पुनः जिताने का प्रयास करें। अगर हम जीतते हैं तो सारी जनता को मिल करके और साथ चलने का प्रयास करें।